रिलायंस डी मजा जियो फाइनेंशियल शेयरों का मूल्य दो सौ रुपये प्रति शेयर हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग होने और जेएफएसएल शेयरों के बाजार मूल्य के बारे में जाने एक विशेष प्री ओपन कॉल नीलामी सत्र के अंत में एनईसी पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जेएफएसएल बाज़ार मूल्य दो सौ रुपये प्रति शेयर निकाला गया जेएफएसएल के मूल्य निर्धारण की आज की कवायद सभी ब्रोकरेज अनुमानों में सबसे ऊपर रही जिसमें शेयर की कीमत 160-190 सौ रुपये के बीच आंकी गई थी यह ऊंची कीमत बाज़ार के जियो फाइनेंशियल की क्षमता के आकलन का प्रतिबिंब है रिलायंस रिटेल जैसे आरआईएल के अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से जेएफएसएल की व्यापक पहुंचाने वाले कई वर्षों तक कंपनी को तेज गति से विकसित करने की क्षमता रखती है जियोजित फाइनेंशियल के डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा बाजार इस क्षमता को भुना रहा है डीमजर के बाद जेएफएसएल के कुल बकाया शेयर 635.32 करोड़ हो जाएंगे और इस तरह कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण एक दशमलव लाख करोड़ रुपये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग होने को शेयर धारकों के लिए मूल्य अनलॉकिंग अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है रिलायंस की आगामी एजीएम में लिस्टिंग की तारीख की घोषणा के लिए बने रहें